ओके नेक्स्ट चैप्टर तले हम स्टार्ट करू ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आहुरी सब क्वेश्चन सॉल्व करा आहुरी भी क्वेश्चन पढ़े देबी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन रो जेउटा डाउट हवा हम सेउटा सब डिस्कशन करबा इनफैक्ट आज भी हम लास्ट को आउ किछना क्वेश्चन डिस्कशन करबा हला ब्रीदिंग सॉल्व लको यस मैम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सो आपको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडर भी कहि पाउ छी सो ह्यूमन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जोडा रहउची मेनली हम को मानकर पढु छै एटा सब ह्यूमन सहित आ जो मानकर सिस्टम से लंग्स रिलेटेड रहउची से मानकर बुझाबो सो मेनली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट रिसीव देयर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रेस्पिरेशन सो मेनली हम रेस्पिरेशन द्वारा कौन करू छै पिले ना हमें एनर्जी पाई परुचे केमिति ना जो खाइथवा फूड हमें बे कोन पढिले जो खाद्य खाउ छै हमें सेटा ऑब्जर्व की कोडी जाउ छै सेलुडा को जाउ छै सो सेही सेल रे पूरी कोन हो छै डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस हो छै प्लांट रेस्पिरेशन ने त हमने को प्रोसेस पढि छ मिली माने पका ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सो जो तीनटा जिनस रहिला तो सेई थ्रू रे ही कोन ह्यूमन में सेम जिनस होई थाए ग्लाइकोलाइसिस हबो क्रेब्स साइकिल हबो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हबो ग्लाइकोलाइसिस रे किछटा एनर्जी बाहर गला क्रेब्स साइकिल रे किछटा एटीपी रे पर बाहर गला तापर फाइनल जो एउडा रे एनएडीएच आ एफएडीएच रहिला सेउडा कन्वर्ट हेगरी फाइनल एनर्जी बाहर गबो कोथरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे हला तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे निजर कोनसी सबस्ट्रेट नाही एही सबस्ट्रेट उडा को यूटिलाइज करिकरि से एनर्जी बाहर करी थाए बुझला त सो एबे आमे एठी सेही उडा डिटेल पढिबा नै सेटा त प्लांट रेस्पिरेशन रे तुम माने डिटेल पढिबो आमे एठी कोन पढिबा ना हमर लंग्स केमति हेल्प करूची अल्वियोली केमति हेल्प करूची कोन गैस टा को नेकरि सेल जाय पहुचेबर एवं सेल रो पुणी गैस आणिकरी बा एयर आणिकरी फाउल एयर आणिकरी तुम्हारे लंग्स जाए पहुंचे बारे केमती सब काम हो छा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मैंने देखा ओके यस मैम सो रेस्पिरेशन कौन बुझल आम एनर्जी बाहर करने प्रक्रिया हूँ रेस्पिरेशन कौन रोचे पूरा रेस्पिरेशन चार्ट जी कह फुड इंजेक्शन प्रक्रिया फुड ना डाइजेशन अब्जॉर्प्शन असिमिलेशन असिमिलेशन अर्थ हूँ सेई फूड उडा तुमरो होल्ड करके रखी थांती एनर्जी एंड थ्रू रेस्पिरेशन आमे ऑक्सीडेशन कहूचे ऑक्सीडेशन माने कोन ऑक्सीजन प्रेजेंस रे कोन होची यस आई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहि परबो माने ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जो रिलीज हब एनर्जी बा ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जो रिएक्शन ता हब एवं एनर्जी रिलीज हब इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जेटा होची तुमरो रेस्पिरेशन देन रेस्पिरेशन होची लाइफ प्रोसेस गोटे जोडा की मेनली कोन कोन इन्वॉल्व करूची पले इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग बाहर हमें नेले इनटेक करले तापरे फाइनली हम सेल उडा रे कोन हला ऑक्सीडेशन हला देन कोन होची एनर्जी रिलीज हला इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म भी बेले बेले पचारी दिए तापरे एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट तो बाहरला कोन फाइनली रेस्पिरेशन ला बाय प्रोडक्ट कोन कार्बन डाइऑक्साइड हला सो ओवरऑल प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप कोन कोन मेन स्टेप दिटा रहउची गोटे इंटरनल गोटे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एबे तुमरो जदि क्वेश्चन आसीबो एबे जे तुमरो क्वेश्चन आसीबो पिले की इज रेस्पिरेशन इक्वल्स टू ब्रीदिंग कोन कहिबो त माने नो मैम ब्रीदिंग टा गोटे पार्ट रेस्पिरेशन मैम डिफरेंट 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 दिटा को ओके मीते डिफरेंट मैम ब्रीदिंग बोले ओनली इनहेल एंड एक्सहेल और रेस्पिरेशन में मैम रेस्पिरेशन में मेनली माने जो फूड हमें इनटेक करते से उडा करे ऑक्सीडेशन है कि एनर्जी रिलीज हो छी हां ताको ठीक भल से बुझिना बा ठीक कांसेप्ट हम मानकर ठीक अछि किनो केमिति आउ ताको भल से डिफाइन कर परबा सो रेस्पिरेशन अंडर ही आसु छै हमर ब्रीदिंग रेस्पिरेशन अंडर दी प्रकार जिन आसछि गोटे इंटरनल आ गोटे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सो इंटरनल रेस्पिरेशन आउ किछि नै सेटा होछि सेल रे जो जिनस होछि ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जो जिनस होछि ऑक्सीडेशन कहि परबा हमें फूड या फिर असिमिलेशन ऑफ फूड बोली कहि परबा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इक्वल्स टू ब्रीदिंग
गैसियस एक्सचेंज जो होची माने ऑक्सीजन आमे इनटेक करूचे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करूचे बा ताको गिवन आउट करूचे सो रेस्पिरेशन गोटे पिले बायोकेमिकल प्रोसेस कोन पई कहिलो काईना सेतिरे इंटरनल रेस्पिरेशन भी अछि माने ऑक्सीडेशन भी होची सेत पे आउ मेनली बायोकेमिकल इति पे कहूचे आमे एंजाइमेटिक एक्शन इन्वॉल्व होची आउ ब्रीदिंग गोटे फिजिकल प्रोसेस सेतिरे कोनस प्रकार रिएक्शन होउनी से खाली आमे नेले छाडीले दैट्स इट आउ सेतिरे किछि भी होउनी रेस्पिरेशन नेक्स्ट कौन आसला बोथ इंट्रा सेलुलर एवं एक्स्ट्रा सेलुलर माने सेल भितरे मध्ये हे पारे आ सेल बाहरे मध्ये हे थाए किंतु ब्रीदिंग टा केवल हे थाए पले एक्स्ट्रा सेलुलर हला आमो सेल भितर को आउ नाही ब्रीदिंग टा आमे खाली नोउ छे लंग्स जाय तापरे सेठो कोन हे जाउची कैपिलरी रो काम स्टार्ट हे जाउची अल्वियोली ओ कैपिलरी रो काम स्टार्ट होउची रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस को छे जेतु एंजाइम एक्शन इन्वॉल्व होउची ब्रीदिंग एंजाइम एक्शन इन्वॉल्व रहउ नाही तापरे एनर्जी रिलीज होउछे थरे रेस्पिरेशन रे ब्रीदिंग रे कोन नो एनर्जी रिलीज्ड रेस्पिरेशन रे बोथ सेल माने कोन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल इन्वॉल्व सब सेल कोन करुनांती निजर एनर्जी प्रोडक्शन करुचंदी हेतु आमे कोन कहि परबा ऑल बॉडी सेल इन्वॉल्व किंतु ब्रीदिंग रे कोन होउछि ओनली सर्टेन ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व किछटा ऑर्गन्स ही इन्वॉल्व हेबे समस्त इन्वॉल्व हेबे नाही बुझिलो क्लियरली यस सर ओके एबे डिफरेंट ऑर्गन्स माने कोन कोन ऑर्गन इन्वॉल्व होची को ऑर्गेनिज्म रे सेटा देखिबा रेस्पिरेशन पाई सो स्पंजेस सिलिन्ट्रेट ऑफ फ्लैट वर्म रे पिले एंटायर बॉडी सरफेस माने यूटिलाइज कर दियंती सब सेल इन्वॉल्व हे जानती कोन पाई माने एक्सचेंज ऑफ गैसेस रे नेक्स्ट असला अर्थवर्म किल अर्थवर्म एंड लीचेस सरफेस बहुत अधिक दरकार तो स्किन हेल्प इंसेक्ट माने इंसेक्ट जानी समस्ते आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट मान पे ट्राकियल सिस्टम अच्छी स्पाइरकल्स भी कह जाए गुड़ा को इंसेक्ट मान इंसेक्ट कैटेगरी रे जाउचे पिले तो मोर आर्किनिड्स भी जाउचे से सेम इंसेक्ट कैटेगरी रे किंतु आर्किनिड्स मानकर कोन अछि बुक लंग्स आर्किनिड्स मानकर कोन अछि ना बुक लंग्स ताको हमें कहूचे हला यस फिश माने बुक लंग्स कोन बुक लंग्स लंग्स भलिया किंतु सेटा प्रकृत रे लंग्स नु हे सेटा कोन तुम्हारा ट्राकियल सिस्टम रु टिके उन्नत धर्म धारणा रहितबो लंग्स टु टिके कम थिबो लंग्स न थाए हेठी माने से तांगर कोन पाइप लाइक स्ट्रक्चर सब थाए हला सेटा कमे बुक लंग्स बोली कहिताओ आर्किनिड माने को माने कहिलो बुढियाणी जोडा कोचे आमे आर्किनिड होचंती स्पाइडर्स ओके एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एवं पीसेस माने फिश मानंकर गिल्स रहुचि पिले गिल्स जानिछ माछ मानंकर गालिस जोटा गिल्स यस मैम एम्फीबियन एवं मैमल्स मानंकर लंग्स रहुचि नेक्स्ट क्ला ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एबे जति कि जाने पढले का किछ डाउट अछि कि समस्त क्लियर को ओके चल देखिबा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सो यूजुअली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रे कोन कोन इन्वॉल्व होउछि ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम्हारो सबटु एडवांस रेस्पिरेटरी सिस्टम रे जाउछि सो जेतु एडवांस रेस्पिरेटरी सिस्टम रे जाउछि ताले सेतिरे कोन रहइबो पूरा आमे कोन कहउछे ना सिस्टम अछि ऑर्गन सिस्टम अछि टिश्यू भी अच्छी से वाला टिश्यू सिस्टम नहीं किसीटा वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन तैयार ही चंती जो माने कि हेल्प करु चने डिफरेंट टाइप रो गैसेस को एक्सचेंज करि बारे एवं दरकारी गैसेस को नबा रे और बाकी जोड़ा दरकाने ताको बाहर को ले आसीबे सो सेतरे स्टार्ट होची पेयर ऑफ नोस्ट्रिल नाको को हम नोस्ट्रिल कहउचे तापर असला नाजल कैविटी माने भीतर जोड़ा रहला नाजल कैविटी तापर असला फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम रे म कहितली कॉमन स्ट्रक्चर एटा माने फैरिंग्स टा एयर पाई भी आउ फूड पाई भी से पे फैरिंग्स रहला फैरिंग्स पाखरे गोटे स्ट्रक्चर था एपिग्लॉटिस माने पखा हला जोटा कि तुम्हारा कोन कोन फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर थिला जोटा कि तुम्हारा गार्ड करिवो फूड एवं एयर पैसेज को फूड को यस मैम यस फूड गला बेले एयर पैसेज बंद करिवो एयर गला बेले फूड पैसेज बंद करिवो
एबे एयर पैसेस पाई ट्रकिया ऊपर जस्ट गोटे स्ट्रक्चर था जोडा को हम ग्लॉटिस कहिथाउ एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस रे एटा डिफरेंस ता एपिग्लॉटिस दिटा जेंस को ये कला बट एयर पर्टिकुलर जोडा विंड पाइप रा कवर ताको ग्लॉटिस बोली कहजे कंफ्यूज हबने ग्लॉटिस होची विंड पाइप ऊपर स्ट्रक्चर बट ट्रकिया ऊपर स्ट्रक्चर हैला माने स्टार्टिंग गेट ता थारो जोटा तो ट्रकिया को हम विंड पाइप भी कहिथाउ पिले ट्रकियाटा सी शेप रो कार्टिलेज रे तयारी हिथाय बोन नहीं एटा कार्टिलेज रे तयारी हिथाय हैला कार्टिलेजल स्ट्रक्चर तापरे फाइनली आसुचि लंग्स जोटा हम थोरासिक कैविटी रे प्रेजेंट अछि पेयर ऑफ लंग्स माने दीटा लंग्स अछि लंग्स पर असला ब्रोंकाई तुमे कहि परबो ट्रकिया डिवाइड हे छि ब्रोंकाई रे दीटा लंग्स भीतर को पासिला ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हे छि ब्रोंकियल्स रे हैला देन असला अल्वियोली स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज नोन एज अल्वियोली लंग्स रो कवरिंग को प्लूरल मेम्ब्रेन बा प्लूरा मेम्ब्रेन बा प्लूरा कैविटी मध्ये कहा जाए तो एबे ओडा टिके डिटेल देखिबा हम आगो नोस्ट्रिल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विथ नोज ओपनिंग थ्रू व्हिच एयर इज टेकन इन नोज नामे तो नाकवटे ही नोथाउ छे नाजल कैविटी का को छे ताले नोस्ट्रिल जो टिके माने कोन करछी जो टि एयर को पडो छे से रहू छे नाजल कैविटी हमर कैविटी एयर रीचेस थ्रू द नोस्ट्रिल ला सो जो कैविटी थ्रू रे एयर पसुची तुम नाक भीतर को सेटा होची नाजल कैविटी व्हिच इज लाइंड विथ फाइन हेयर जोडा रिकॉर्ड थाए बहुत गुडा एठी कोन था हेयर स्ट्रक्चर थाए कि नहीं सिलिटेड एपिथेलियम मध्ये थाए एवं लाळवा बस स्लाइमी सब्सटेंस जोडा को हमें म्यूकस कोचे म्यूकस मध्ये थाए पिले सो ए मनकर प्राइमरी एक्टिविटी कोन ना बाहर आस्तवा डस्ट बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके रखि देबे आगु को जीवा को देबे नहीं हला सेंट्रल सेप्टम कोन ए जो नाकर मझी जो दंडीटा में कहू छे सेरा को सेप्टम कहा जाय ते ता हिसाब रे हमर दीटा डिवाइड जाय छे ना गोटी नाक किंतु हमर कोन कैविटी चैम्बर तो दीटा ना मझी रे जोटा रहू छे गोटे पिले सेंट्रल सेप्टम सेटा से कोन करू छे राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल ले डिवाइड करी छे सेप्टम द्वारा तापर असला फैरिंग्स कॉमन पैसेस बिहाइंड द नजल चैम्बर एंड सर्व एज common passes or way for both air and food etik je clear yes ma'am larynx samase jani thibo larynx ta kon sound box ko che voice box ko che so human case re ame larynx boli kahithau pakhi manaka case re birds manaka case re साइरिंग्स बोली को हा जाय पिले साइरिंग्स लेखि दियो पचारे एटा क्वेश्चन आसे बर्ड्स मानन को केस रे साउंड बॉक्स को कोन कहा जाय साइरिंग्स बर्ड्स सो से कोन करू छी हमरा कम्युनिकेशन पे हेल्प करू छी लैरिंग्स पे ही हमरा वॉइस बाहरु छी हमें कथा कहि पारु छी बुझलो तो सो लैरिंग्स नथले कोन एतना असुविधा एतना ना वी कांट टॉक हमें कथा ही कहि पार न थाने हमर वॉइस बाहर न थाता तापर एपिग्लॉटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द ग्लॉटिस हला कहली ग्लॉटिस को भी कवर करके रखु छी एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप ट्रकिया कोन रहु छी पिले 12 cm रा रहु छी लेंथ ता हो छी 12 cm ओसारा टारो 2.5 सेम क्वेश्चन आसे लेंथ ऑफ ब्रेथ ऊपर विंड पाइप रो एयर पासेस फ्रॉम द फैरिंग्स टू ट्रकिया इट इज अ लॉन्ग ट्यूब पासिंग फ्रॉम द थ्रोट टू मिड थोरासिक कैविटी माने थ्रोट तंटी पाखरु छाती जाय हैना जोठु हमर कोनी जो डिवाइड हिज बो लंग्स सेति के जाय अछि केमति तयार हिते कार्टिलेज द्वारा तयार हिते को प्रकार कार्टिलेज ए टाइप रो सी शेप रो कार्टिलेज थाय हला एबला स्ट्रक्चर थाय बा तुमे एबला कहि परबो रिंग रिंग स्ट्रक्चर हे करे कैटलिस्ट ता तयार हि थाय तापर पुनि एमति डिवाइड हि जाय ओके सो एमति मु एबे एमति 3D रे देखिला ओ एक्चुअली कोन सी शेप रो कैटलिस्ट थिबो एबला बुझछ त मिसि करे एबला हला सो ये एबला पसिला सी से पटे पसिला एठी गोटे लंग्स हे गला तुमरो आ ओ एपटे लंग्स ता टिके छोटो रहइबो काहेकि ना हार्ट रह जाउ छै एठी राइट लंग एटा लेफ्ट लंग रहिला एटा रहू छै तुमरो कोन ट्रकिया
तापरे ब्रोंकाई ब्रोंकाई जो पसिला एटा को आमे ब्रोंकियोल्स कोचे यस ब्रोंकियोल्स पुनी डिवाइड ए जो ब्रोंकियोल्स डिवाइड हे केति पसिचि पूरा रूट टाइप रो पूरा सब बडे थिबो लास्ट को जो बलून लाइक स्ट्रक्चर रहइबो पिले ताको आमे अल्वियोली कहि थाउ यस ओके तीजा क्लियरली बुझिला यस मैम तापर होचि लंग्स वी हैव ए पेयर ऑफ स्पंजी इलास्टिक ऑर्गन दैट इज लंग्स लोकेटेड इन थोरासिक कैविटी हमर कोठे छि छाती पोर्शन ने अछि थोरासिक कैविटी तक पहुंचे यस लंग्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा मेम्ब्रेन और प्लूरल कैविटी मध्ये कहा जाए लंग्स रा कवरिंग को प्लूरा मेम्ब्रेन बा प्लूरल कैविटी कहा जाए लंग्स ऊपर किछटा इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन लंग्स लाइ इन द थोरासिक कैविटी क्लोज बिलो बाय द डायफ्राम कौन कहला तार अर्थ आम लंग्स जो रोच पे थोरासिक कैविटी स्टोमाक जो रहा कौन कहला आम एब्डोमिनल कैविटी तो एब्डोमिनल कैविटी एवं थोरासिक कैविटी को जे कौन करछी मार्जिन ता भीतर डायफ्राम शेट करूची हां डिफरेंशिएट करूची ए टाइप रे गोटे छत्ता वाला स्ट्रक्चर थाए एडा कोन कह जे डायफ्राम बोली डायफ्राम देखे दूजे तुम जानी परबो देखी पार छो एठी दिस इज डायफ्राम एटा पर्टिकुलरली केम देखा जाए लंग्स रहिला डायफ्राम एठी क्लियर यस मैम मैम ए जो फिगर है ट्रकिया कोटा ट्रकिया कोटा देखो एटा देखि पारु छ ए जो स्ट्रक्चर टा ट्राकिया को हागला हला एटा ट्राकिया ट्राकिया टा डिवाइड हे गला ब्रोंकाई को तापर ए जो पूर्ण फर्दर डिवीजन तार ब्रोंकियोल्स को हा जाय ब्रोंकियोल्स यस फर्दर डिवीजन इज अल्वियोली कोटा को आउ छ अल्वियोली लास्ट को एटा मजे तो ट्राकिया मार छी अल्वियोली देखैले से अल्वियोली हो छी राइट देखो देखो देखि पल्लो यस मैम एटा हो छी अल्वियोली एई भला थाय बलून लाइक स्ट्रक्चर एई माने ही कोन करंती छाणी बारे हेल्प करथांती लंग्स भीतर था एटा अल्वियोली जदी रप्चर हे गला अल्वियोली जदी प्रॉपर्ली काम न कला ताहले सब कोन रेस्पिरेटरी डिजीज आ पढी बारे रेस्पिरेटरी डिजीज रे कोन कोन सब डिजीज अछि बुझिला यस मैम तले कौन कह से पिले लेफ्ट लंग इज नैरोर देन राइट लंग मु कहली राइट टा बड़ा थाए लेफ्ट टा टिके छोटा थाए काहेकि ना लेफ्ट लंग टा किछ जगह हार्ट टा रखि दे थाए माने हार्ट टा सेठी के रहउछ ना हमर टिके लेफ्ट साइड को हार्ट टा टिल्ट के रहउछ ना टिके मोडी बके के रहउछ सेठी से लेफ्ट लंग आड़ को धसेई पस्ताए सेठी लेफ्ट लंग टा टिके छोटा
as compared to right lungs. Tapar right lung is larger or heavier madhya. Right lung is about 700 gram, whereas left lung is 600 gram. Then left lung has two lobes. Bhaga hoichi. Left lung ta di bhagre divide hoichi. Right lung ta jehetu bada, tini bhagre vibhakta hoichi. Left lung has two lobes and one fissure. Fissure mane di bhaga hoba pe gotiye darkar ki nahi? Pacheri. Gotiye division wall. Jeta division wall ta ko fissure ko hai hoichi. A gotiye jinsa ko tini bhaga kariba ko hele kete ta amar wall darkar hawa. Di ta. हला तीनटा लोप पई दीटा फिशर रहबो दीटा लोप पई गोटे फिशर रहबो बुझि पालो रे को सेटा यस सर भी डायग्राम में देखे देखो लिख पार एटा राइट लंग तुम्हारा एटा लेफ्ट लंग तो राइट लंग टा कौन है गोटे लाइट पर्पल कलर देख देख अपर लोब लिखिला तापर गोटे पिंक कलर देला आ गोटे लोअर लोब एटा मिडिल लोब एटा लोअर सो एबे अपर लोब आउ जोटा तुम्हारा कौन है मझी जोड़ा रोची मिडिल लोब मझी जोड़ा रहिला हॉरिजॉन्टल फिशर माने ए टाइप रो भाग हला जोटा तापरे तुम्हारा मिडिल आउ लोअर मझी रे गोटे रहिला ओब्लिक फिशर फिशर बुझी पालो क्वेश्चन ए मध्ये आसे राइट लोब रे दीटा जो फिशर अछि तार ना कौन हॉरिजॉन्टल आ गोटे ओब्लिक फिशर हां दीटा गोटे एभुडा रहइबो आ गोटे एभुडा रहइबो एभुडा गोटे आ गोटे एभुडा रहइबो गोटे हॉरिजॉन्टल रहबो गोटे ओब्लिक रहबो एमते कि तीन भाग रे डिवाइड कर देला अपर लोब मिडिल लोब लोअर लोब आइ पड़े जो रहला कोन कोन आछी तुम्हारा ना अपर लोब रहला लोअर लोब रहला ओब्लिक फिशर गोटी रहला गोटी ही फिशर रहबो जोडा को हमें ओब्लिक फिशर कोचे एठे हॉरिजॉन्टल फिशर रही पारु नाही आउ कार्डियक नॉच कोन पे कह जाय छी जोटी हार्ट टा पसी के छे सेई जो जागाटा जो पसी के अछि सेई पोर्शन रा को कार्डियक नोच बोली कहा जाउ छी एवं पूरा तळ जागाटा को कोन कहू छी लिंगुला बोली कहा जाय ताको लिंगुला जदियो लिंगुला बिषय रे पछरे नै तुमे नॉलेज पे जानि था आ ऊपर टा कोन कहा जइबो अबेक्स ओके लेफ्ट लंग रो पूरा ऊपर टा अबेक्स राइट रो भी पूरा ऊपर टा अबेक्स किंतु लिंगुला स्ट्रक्चर राइट रे नाही लेफ्ट रे अछि बुझला ना नहीं यस मैम हमर हार्ट टा जो प्रेजेंट अछि से दीटा लंग्स मजे रे हां एई जगह टा देखु ना जो फांका जगह टा अछि इथि हार्ट टा था एमति मैम मैम जो मन कर हार्ट टा राइट साइड को थिबो এটা তো আমাৰ ডেক্সট্রোকার্ডিয়া বহুত কম মানে 0.001% লোকৰ বহুত কম সেটা ট্যাংকার তেল ম্যাম যেমতি রাইটটা যেমতি 3 তিনি ভাগৰ বিভক্ত হৈছে মানে সেমতি লেফট সাইডটা হৈ থিও ম্যাম এটা ট্যাংকার তে অ্যাডজাস্ট ঠিক ৰখি যায় এই সমহাৰ্ট হিয়ার কিন্তু ভাগটা হয় নি সেম নরমাল হৈ সেমতি আচ্ছা এটা ডিজিজ যদিও কিছু প্ৰবলেম দেখা হয় নি বাট স্টিল দ্যাট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ ডিজিজ आमे सेटा सर्कुलेटरी सिस्टम रे पढिबा हला कि बुझिला समस्त त भागकरण कोन केमिति भाग हेछि यस मैम राइटटा तीनटा दीटा फिशर लेफ्टटा गोटे ही फिशर रहउछि हां यस मैम हां एटा मने रखिबो बेले बेले क्वेश्चन पचार दे सेति पै
तापर आसला ब्रोंकाई ब्रोंकाई रो कोन काम आमे जानले कोन देखो ब्रोंकाई ट्राकिया डिवाइड इनटू थिनर ट्यूब दैट इज लेफ्ट एंड राइट दीटा रहिला लेफ्ट और राइट लेफ्ट रे तुम्हारे दीटा ब्रोंकाई राइट रे तीनटा ब्रोंकाई एबे को राइट रे तीनटा और लेफ्ट रे दीटा काई के रहबो सिंपल लॉजिक जे तो राइट रे तीनटा लोब से तीनी रे जगह को जीवो ना तीन भाग रे डिवाइड हो जाइछि ताप किंतु एपटे कोन होछि दीटा कि लो होछि लोब से पे दीटा ब्रोंकाई देन असला ब्रोंकियल ईच ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइनर चैनल्स आल्सो नोन एज ब्रोंकियल्स माने ब्रोंकाई रो फर्दर डिवीजन आ किछ नय ताको ही ब्रोंकियल्स को हागला तापर आसला फाइनली अल्वियोली एटा रा किछ बुझिबार नै बुझिपारला समस्त ट्राकिया पर ब्रोंकाई तापर ब्रोंकियल्स आजि पर स्ट्रक्चर ही बुझिबा में तापर फंक्शन बुझिबा तापर आछि अल्वियोली द ब्रोंकियल्स एंड अप इनटू द बलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अल्वियोली ताको कोन को अल्वियोली बोली कहथाउ अल्वियोली आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स ताको कह जाइबले काहे कि ना स्ट्रक्चर माने कोन कोन छि हमरो तुम्हारो तयारी जो हेछि जो पूरा रहिला भीतर स्ट्रक्चर से अल्वियोली ही अछि फंक्शन कोन फाइनल फंक्शन से ही करू छि तुम्हारो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जोटा सो अल्वियोली प्रोवाइडेड अ सरफेस एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस जोठि कि गैस टा एक्सचेंज हेइ पारिबो वॉल ऑफ अल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स ताको कैपिलरी कहा जाए सिंपल जिनसो जानबा कहले कोन कहबा देखो रही बड़ा रहिला एटा कोन अल्वियोली रहिला एटि तुम्हारो कोन होछि ब्लड कैपिलरी उडा जाइथि बड़ा बड़ा बुझिला त मै त 3D देखैले तुम्हारो कोन आ ऊपर एमति पूरा सब बड जाइथै बुझो त तारे ताको लागे कि जाइथिबो सो एबे एटी जो ऑक्सीजन अछि ऑक्सीजन कोन आमे जोटा इनहेल करले पिले इनहेल रे आमे सब जाक नउचे सब माने कोन हमर एयर जहा जेमति कॉन्स्टिट्यूशन अछि माने 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस सब नेले किंतु एटी से कोन करबो छाडी छाणी दबो एवं केवल ऑक्सीजन उडा को पसेइबो एंड एटी जो छाणी कि बाकी सेल उडा आस्थिबो कार्बन डाइऑक्साइड ताको से नै जीवो निज आड़ को ताको नै गिर कोन करबो बाहर करे आपे प्रोसेस करबो एवं ऑक्सीजन को से भीतर को देला सो द ब्रोंकियल्स एंड अप इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर ताको में कोन को अल्वियोली अल्वियोली फंक्शनल यूनिट अल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस वॉल ऑफ अल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल ताको कैपिलरीज हमें कहउचे 300 मिलियंस ऑफ अल्वियोली इन टू लंग्स डीटा लंग्स मिसि करी केते अछि पिले 300 मिलियन है ना एति कि जे समस्त क्लियर यस मैम ओके तापर आसीला रेस्पिरेटरी सिस्टम रे कोन एक्चुअली हमरो होउछि गोटे कंडक्टिंग पार्ट गोटे एक्सचेंजिंग पार्ट कंडक्टिंग पार्ट माने के नै करी पहुचेबो एक्सचेंजिंग पार्ट माने के लास्ट को फाइनल एक्सचेंज करिवो सो कंडक्टिंग पार्ट हो चाहिए हमार कौन नोस्ट्रिल फैरिंग्स लैरिंग्स ट्राकिया माने मेन पार्ट सब मेन फंक्शन एमकर कौन हो ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू अल्वियोली जाए नहीं पहुंचे देले नेक्स्ट आज कौन रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एयर ह्यूमिडिफाइंग इट एंड ब्रिंगिंग इट अप टू कौन बॉडी टेम्परेचर तापर करिवे सेटा हो कंडक्टिंग पार्ट रो काम एक्सचेंजिंग पार्ट रो काम कौन ए अल्वियोली तो एक्सचेंज करिवो ना मेन हो अल्वियोली So it is the site where actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and atmospheric air takes place. माने कौन हो? Oxygen गला, carbon dioxide बाहर ला। तो ये टा होची तुम्हारा कौन? Main conducting part एवं exchange part रो काम हो। गुटे निगरी पहुँचे ला, आ गुटे exchange कला। तापरे असल steps in respiration। मैम। हाँ। Second point कटी क्या होता है? एक्सचेंज पार्ट माने आमो बॉडी भीतर को किए एक्सचेंज करेबो हैला एक्सचेंज करबा काम हला अल्वियोली रो सो एनवायरनमेंट रो आमे जो एयर टा नैथिबा ताको फाइनली छाणी किरी आमोर बॉडी रो सेल जाय पहुचेबा काम होची का अल्वियोली रो सेतमे ताको एक्सचेंज कहा गला हैला आ एक्सचेंज करे तो कोई मेरी को नॉर्मल पठोची
एक्सचेंज जति पई कहला ऑक्सीजन दोछि कार्बन डाइऑक्साइड नोछि सेत में एक्सचेंज कहला सेति से को आ कोन डाउट हो जति अनुसया मैम रिमूविंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर सेटा दे जोंटा पर रिमूविंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल माने तुम्हारा जति के सब आमे नेला बेळ को आमर जाई थाउ छी कोन डिफरेंट टाइप पर पार्टिकुलेट मैटर गला आउ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जाउ छन किछटा नाकरे ही रह जाउ छन किछटा ट्राकिया रे भी रह जाउ छन आउ किछटा पळौ छन सीधा लंग्स जाय मध्ये एमनी कोरोना वायरस लंग्स जाय भी जाउ छी ना किंतु ट्राकिया रे मध्ये रह जाउ छी ट्राकिया जाय भी जो मान को जाय थाउ छी समान को बेसी अफेक्ट करूनी लंग्स जाय पहुंच जाउ छी जोटा सेटा बेसी अफेक्ट करू छी सो जेंती सब बैक्टीरिया वायरस माने गला परे सेठी कोन करे एल्वियोली से मान को एक्सचेंज माने से मान को कोन छाड़ी बोली भीतर को सेटा कोन कहला रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल तो सेटा की करबो तुम्हार पिले माने ए कंडक्टिंग पार्ट रे काम हे जाय एल्वियोली जाय जीवा को पड़े नी बेले बेले एल्वियोली जाय भी पड़ांती किछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मध्य तो फॉरेन पार्टिकल उडा कोन एयर रो छाणी किरी रखिबो आ से मान को पुणी करबो कोन बॉडी टेंपरेचर को ने आसीबो हले बॉडी टेंपरेचर रे से मान 37 डिग्री सेंटीग्रेड किछटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा किछटा जिंस कोन हबे मरि जिवे बॉडी टेंपरेचर रे बॉडी आम बॉडी रे मैम बॉडी रे भलो ना खराब को मैम खराब खराब अच्छा एक्चुअली भलो काई कहला मैम हां मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडा जदी किछि फॉरेन पार्टिकल बॉडी भीतर को एंटर करे तो से गुडा को से माने कोन तंगो हायर टेंपरेचर रे से माने कोन मरि जांदे सेहिते पय हाइपोथैलेमस बॉडी रो टेंपरेचर टा को इंक्रीज कर दिए बॉडी दे एग्जैक्टली तो सेटा होची भलो पय हे थाए आम बॉडी रे जर हबा द्वारा किछटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म संति ही मरि जिवे हला सेत पय आम बॉडी रो टेंपरेचर बढी जाय किंतु बेसिस कंटीन्यूअस हे जेंस हे कि रहले असुविधा ताको पड़ी आम बॉडी रो कोन नॉर्मल टेंपरेचर को आनिबा को हमको बाकी मेडिसिन ए सब खाइबा को पड़े बुझलो त मैम कौन थे जो पाइरोजेन टा सिक्रेशन हले जरो ऐसे बोले कौन सिक्रेशन ले कोटी जिंसा खाली रेस्पॉन्सिबल नहीं बहुत गुड़ा जिंसा सिक्रेशन बहुत गुड़ा जिंसा हमारा जरो पाई रेस्पॉन्सिबल है लगी हाइपोथैलेमस सोची बॉडी रो थर्मोस्टाट माने टेम्परेचर रेगुलेटर बोले कहा जाए किंतु ता सहित बाकी जिंसा भी रेगुलेट कर थांती बुझला यस मैम तापर आसला स्टेप्स इन रेस्पिरेशन कोन कोन स्टेप इन्वॉल्व अछि फर्स्टला पिले इंस्पिरेशन इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच फ्रेश एयर एंटर्स द लंग्स हियर द डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल कोटा जोटा हम पंजरा हाड़ चारिपटे जो मसल मसल्स अछि बा रिब्र चारिपटे जो मसल्स थाए ताकु इंटरकोस्टल मसल बोली कहा जाए एंड एब्डोमिनल मसल पेटर जो मसल अछि से माने ए तीनटा मसल मेनली बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते थी आगो इनहेल कर ले आमे तापरे एक्सहेल भी करूचे इनहेल जो करूचे मुझे कहली एयर रे जहा जा छे सब जिंस आमे इनहेल करबा हला एक्सहेल करला बेले कोन करूचे प्रोसेस बाय व्हिच द फाउल एयर माने आमर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी रो मध्ये बाहरि थिबो ए रेस्पिरेशन प्रोसेस रे माने ऑक्सीडेशन हला परे किछटा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थाए सेउडा को आमे फाउल एयर कहि थाउ ता छोडा आमे नेइचे मध्ये किछटा फाउल एयर सेउडा सब मिसिकरी ता माने गल्ला बेले ऑक्सीजन मात्रा अधिका कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कम बाहर लाबले ऑक्सीजन मात्रा कम कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बहुत अधिक थाए हैना तापरे ऑन एन एवरेज हेल्दी पर्सन 12 रो 16 टाइम पर मिनट ब्रीथ करि थाए ब्रीथिंग रे आउ हमर जो कहबो पल्स रेट समान ना अलग अलग कहिलो पिले एम अलग 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 ठीक एबे सब एकका कहि थान दीदी खाली गाली सुन थान तो कोन अलग मते बुझाओ एबे
मैम पल्स रेट जोटा से हार्ट बीट को मैंने हार्ट बीट जति के थाए पल्स रेट सति के थाए अच्छा पर मिनट कितने तरह थाए 72 टाइम्स 72 टाइम्स करेक्ट हला तो पल्स रेट इक्वल्स टू हार्ट रेट बा हार्ट बीट कहि परबा में माने हमर जो सिस्टोल डायस्टोल जो होची सब से हिसाब रे होची किंतु आमे जो कहूचे ब्रीदिंग पिले सेटा आमे केते थरो निश्वास प्रश्वास नउचे सेटा को हम ब्रीदिंग रेट बोली कहा जाए ओके क्लियर यस सर अच्छा मते कहि परिबो कि सरफेस एरिया टा केते रुहे अल्वियोली रो आमे जदी अल्वियोली खोली दबा 70 मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर भाभी पाउछो त 70 मीटर केते हलानी हां सेती की पूरा आ अल्वियोली ऊपर गोटे लाइनिंग थाए ताको कोन कह जाय लेसी थिन लाइनिंग थाए पिले से कोन करिबो सरफेस टेंशन को लोयरिंग करे बारे हेल्प कर थाए माने घर्षण शक्ति टा लोयरिंग करे रे हेल्प करिबो इंस्पिरेशन कथा बुझिला यस मैम ओके एटू नेक्स्ट पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ मेकानिज्म डायफ्राम रो कोन केमती स्ट्रक्चर रे चेंज होउची कोन केमती होउची रा नेक्स्ट क्लास देखिबा हम सब एबे किछटा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा हला यस मैम तार सब क्वेश्चन कर देलो आगे मैम हो तले बे आ गुटे नोट्स रु करछी सेटा भी पठे देबो तुमको आगे क्वेश्चन सब बेले एथिबे मु करौछि पिले काई ना क्वेश्चन थ्रू रे भी हम आउ किछटा डाउट क्लियर करि परबा हला जोटा मे भी नोट्स रे पाइबो ने किछटा दिन से क्वेश्चन रे भी एक्स्ट्रा थाए फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सेल्स हु सिक्रेशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स ड्यूडेनल सेल ना चीफ सेल ना गोब्लेट सेल ना ऑक्सेंटिक सेल मैम ए आउ कार कोन आंसर देखा कौन ऑप्शन अच्छी कौन बोली भावुच और सी पैनक्रियास और डी मैम लार्ज इंटेस्टाइन ना गोटे पार्ट को देखे छी राइट ओके ईटा कोन सिकम मैम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एटा बढ़िया लागु छी देखिबा आंसर कोन अछि ए अछि ठीक है जी Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but
statement 2 is correct na statement 1 is incorrect but statement 2 is correct both 1 and 2 are correct kon hab answer b b hab b 1 ta correct statement 2 ta incorrect eita chhad diyo eita kon extra jinso likhi di se majre hala half ko hi to bujho chi na into 2 kar do yes, tapre ame 32 ho jese yes eita ko मैम टोटल क्वेश्चन डा देखा जानी बेसिक जूम ही है जी अबे देखी पर जा यस मैम यस मैम आपको 22 साल सर पोर्ट इनटू माने पढू छी असि पोर्ट ने कोन असि के कुडी पढू छी एनवायरमेंटरी कैनाल वेयर दे आर नेसेसरी फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ मैम बी डी आउ कार कौन आंसर पिले बी फैट सॉल्युबल विटामिन्स में है ना देखो बाइल सॉल्ट हेल्प इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन सच एज ए डी ई के एठी गोटे आंसर पाइला तुम्हें फैट सॉल्युबल हो छ ए डी ई के विटामिन एवं वाटर सॉल्युबल हो छ बी आउ सी सेति पाई यस इति भाई जे तो डॉक्टर तुमको किछि ए डी ई के कहा जाय खाइबा पई ना कहबे लंच आफ्टर डिनर खाइबो किंतु जदी वाटर सॉल्युबल कभी जते बेले खाइ पारो लगी ए डी ई के जानी था पिले तुमे माने भी खाइबो जते बेले लंच परे माने खाद्य खाइकरी खाइबो हला यस चीफ सेल और जाइमोजेन सेल कोन सिक्रेशन करथाय बा कोन कोठी अछि पचती इस्तेमा शब्द ग्लैंड नेक ऑफ द टैबुलर ग्लैंड ट्यूबुलर हबो एटा आ एटा असला नेक्स्ट बेस ऑफ द ट्यूबुलर रीजन ऑल ऑफ द हबो कोट सपोर्ट थाय ना कोट थाय मैम चीफ सेल कोनो चीफ सेल चीफ सेल का को आजे पले मैम जाइमोजेन चीफ सेल जाइमोजेनिक सेल कौन सिक्रेशन करथांती मैम प्रोएंजाइम पेप्सिन खाली पेप्सिन करंती ना कोन करंती मैम पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज अच्छा आओ ऑक्सिजेनिक सेल को कौन कहा जाए मैम पेराइटल पेराइटल सेल यस तो मन ने रहिला कौन कौन करची यस मैम जाइमोजेनिक सेल ताले कौन करूची तुम्हारा कोटी थाय मेनली नो मैम मेटा का फाउंड इन फाउंड इन कोडी कोडी स्टमक सबुडी थाय ऑलमोस्ट हला यस मैम काहे कि ना यार काम ही हो जे तोर म्यूकस जिंस सिक्रेशन करबो सेत में सब बडे प्राय थाय सबे कह बेस ऑफ द ट्यूबुलर रीजन रे मेनली पाउचे माने हम जो ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर अछि तार बेस है पूरा थ्रू आउट एलिमेंट रे केना नेक्स्ट को व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरी द इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर लाइकली टू सफर फ्रॉम क्वासियोरकर क्वासियोरकर हबो ना मारस्मस हबो ना रिकेट्स हबो ना पैलेग्रा मैम क्वासियोरकर हबो ब्रेस्ट फीडिंग यदि कमी गला और लेस न्यूट्रिटिव फूड भी मिलु छी व्हिच इज मोर इन प्रोटीन एंड कॉर्स एक्जेक्टली प्रोटीन रिलेटेड देले कहबो मारास्म ए होबो क्वासी और कर हेले पिले कहबो कि प्रोटीन लिपिड आउ कार्बोहाइड्रेट तीनटा को कमी हेले क्वासी और कर केवल प्रोटीन आउ कैलोरी रिलेटेड हेले मारास्मस मारास्मस ऑफ ड्यू टू प्रोलॉन्ग माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी इन प्रोटीन एंड कैलोरी हला एपिग्लॉटिस meant for protecting kon protect karta hai a and b hobo esophagus from entry of air na nasal chamber from entry of food larynx from entry of food teeth from caries larynx from entry of food
process involved in passage of food in the alimentary canal is digestion. Digestion. Gynogenic cell of gastric gland produces pepsinogen. पेप्सिनोजेन सेटा गोटे कोनो प्रो एंजाइम टे जोडा के एक्टिवेट हे था एचसीएल प्रेजेंट एसिडिक एसिडिक मीडियम रे पेप्सिन है ना यस सर 10 नंबर को एम एचसीएल एचसीएल एंड सीआईएफ सीआईएफ कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर यस सीआईएफ रो काम कोनो को जन से ऑब्जर्वेशन करे छे मैम absorption of vitamin B12. Very good. Yes. Match kori babe. Match karo. Ma'am, A ro 2. Tylin. A soita. Hoche protein B ro 4. Ma'am, option C. Okay. Tylin kon hobo pile? Starch. Ma'am, starch. Pepsin kon hobo? Protein. 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 हां तापर न्यूक्लियस न्यूक्लियस डीएनए डीएनए ऑस्टिन होची लिपिड्स लिपिड तरे कर दियो कण कण वाला प्रोटीन सी लिपिड्स हला यस मैम नेक्स्ट करो पेरिस्टल्सिस ऑकर इन alimentary canal alimentary canal quite clearly alimentary canal pura karibo hala phagocytic cell of liver are known as capsule mc kaffer sample kaffer cell eta ame padhila bele kahine hala sete question ame agode nua jinso paile dekho kichhi na liver re phagocytic cell thane jo mane foreign particle ko engulf karinanti se man ko kaffer cell bele kua jae pile hala kaffer cell are phagocytic in nature मन रहे बा? Yes ma'am. Okay. देखा ये तो दे दी ची डेटर सेल भूला बो कि ना आंसर दी ची कफर सेल ये ची सॉल्यूशन है दी ची हाँ कफर सेल का आंसर इटा. हाँ इटा को फूड मिक्स थॉरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमैक बाय द चर्निंग मूवमेंट. चाइन. कोई तेरे ना चाइन बोली पाज इटा को? Yes ma'am. अब बोलस टा कोडी प्रोडक्शन में बकल कैविटी रे बोलस बकल कैविटी 15 नंबर को अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फेसेस एंटर इनटू द सिकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोस्मल इलियोकैकल वाल्व इलियोसिकल वाल्व इलियोसिकल वाल्व 16 हां बको एटा एम सी सी ग्लूकोनियोजेनेसिस माने ग्लूकोज तयारी होबा लाइसिस माने भांगीबा जेनेसिस माने पिले तयारी हबा को तले कोडा हबा बी डी ग्लूकोज इज फॉर्मड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स सो मेनली ग्लूकोज ग्लूकोनिया माने कोन ग्लूकोज रिलेटेड आसुची हला यस तो तुम्हार जदि पचर छ कोन ग्लूकोज जदि फॉर्मेशन होची नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल लो ताले त कोन को आ जाय ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोनियोजेनेसिस माने बा ग्लाइकोजेनेसिस माने कोन ग्लाइकोजन फॉर्मेशन हबाटा बाइल को नेक्स्ट कैन प्रिवेंटेड टू पास इनटू ड्यूडेनम बाय एम स्फिंक्टर ऑफ ओडी स्फिंक्टर ऑफ सी ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर अब्सॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना पैसिव ना सिलेक्टिव अब्सॉर्प्शन ऑस्मोसिस सी
selective absorption. Glucose and amino acid are absorbed in the intestine by your active transport. माने energy दरकार है था ऐसे उड़ा transport हवा पे है ना आउ जो उटा energy दरकार हवा transport आपे से मानो कमें कौन कहा पिला active transport बोली कोई था passive टा without energy information ने जो उटा हवा which of the following statements are incorrect chylomicron विषय रे कौन टा incorrect आ भीतरू chylomicron कौन को अबे फर्स्ट को चाइलोमाइक्रोन कौन नो मैम मुझे तो जानी नहीं चाइलोमाइक्रोन आर पिले से मानो कौन को जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मध्ये कहा जाए लिपिड एवं प्रोटीन रो गोटे मिश्रण कहि परिबो ट्राइग्लिसराइड्स रिच इन लिपोप्रोटीन हला आमी जो लिपिड खाउचे सेथरु ही प्रोडक्शन हे थाए कंपोस्ट केमते थाए सेंट्रल लिपिड कोर थिबो ता उपरे प्रोटीन थिबो हला लिपिड आ प्रोटीन नेके तयार हे थाए पिले ताको हमें कोन कहिथाउ चाइलोमाइक्रोन कहा जाए बुझला बे यस मैम हां उसे कोचि चाइलोमाइक्रोन्स बिषयरे कोटा इनकरेक्ट सो आंसर होचि तुम्हारा डी ता माने होचि नॉन ऑफ दिस सब बड़ा करेक्ट अच्छे मानन करो चाइलोमाइक्रोन आर प्रोड्यूस इन द एपिथेलियल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इट कंटेन ट्राइग्लिसराइड कोलेस्टेरॉल फास्फोलिपिड्स प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल्स हला देन चाइलोमाइक्रोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल इनटू कोटी लैक्टियल्स एपिथेलियल सेल रो बाहर के जीव Given flowchart shows the fat of carbohydrate. मतलब carbohydrate का कौन कोई परिवार? Overall कौन experience से करी ची? Fat of carbohydrates during digestion in human alimentary canal. Identify the enzyme acting at stages indicating A, B, C, D. ये रे कौन है बॉस? Starch टा जो मल्टीपल हो ची? Amylase. तब परे जो हो ची next कौन है? काली भी अच्छी बात है हम क्लास यस मैम सेकंड हाँ काली अच्छी तो काली भी हमें ये करी बाला की हाँ चलो बाय बाय बच्चों थैंक यू मैम थैंक यू मैम